हेलो फ्रेंड, आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो समझ में आया और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करना है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास राउंडर, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन नंबर 6, इंस्क्राइबिंग डिस्क्राइबिंग सर्कल्स। एग्जाम्पल नंबर 12, टू डिस्क्राइब अ सर्कल और एन आर्क पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी विद एबी 6 सेंटीमीटर, बीसी 4 सेंटीमीटर एंड सीए 5 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब अ सर्कल और एन आर्क पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट ए बी एंड सी। हिंदी प्रश्न विभाग छठा, एक नियमित आकृति में अंकित वृत्त। उदाहरण 12, दिए गए 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला एक वृत्त सर्कल या चाप कीजिए जो एक रेखा में नहीं। प्रश्न, ए बी और सी बिंदु इस प्रकार है कि ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर और सी ए 5 सेंटीमीटर, तो 3 बिंदु में से जाने वाला एक वृत्त सर्कल या चाप बनाइए। मराठी प्रश्न, ए बी व सी हे बिंदु असे आहेत की ए बी बरोबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बरोबर 4 सेंटीमीटर व सी ए बरोबर 5 सेंटीमीटर, तर त्या 3 बिंदूतून जाणारे वर्तुळ किंवा कंस काढा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट दिए हैं और 3 पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो भी दिया है, तो इन 3 पॉइंट में से जाने वाला एक हमें वृत्त सर्कल या चाप बनाना है। तो पहले यहाँ पर हमें एक त्रिभुज ट्रायंगल बनाना है, तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक लाइन लेना है बेस लाइन, उसका डिस्टेंस हमें दिया गया है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। उसे नाम भी देना है ए बी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में जो डिस्टेंस दिया जाता है और अलग अलग नाम दिए जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें इस लाइन को नाम देना है। अपने मन से नाम नहीं देना है। जब क्वेश्चन में आपको नाम नहीं दिए जाते हैं तो आप अपने मन से वहाँ पर नाम दे सकते हो, नेम दे सकते हो। तो दूसरा वाला जो लाइन है बी सी लाइन, उसका डिस्टेंस हमें लेना है कंपास में राउंडर में 4 सेंटीमीटर, और बी पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर हमें ए बी लाइन के ऊपर वाले भाग पर एक आर्क लेना है। तीसरा लाइन जो है वो ए सी लाइन है, उसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, कंपास में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है और ए पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। इस प्रकार से दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, वहाँ पर पॉइंट लेना है सी और बी सी पॉइंट और ए सी पॉइंट जोड़ना है। ए सी लाइन हमने लिया था 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और बी सी लाइन लिया था 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। डिस्टेंस हमने यहाँ पर लिखा है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद ए बी लाइन पर हमें एक परपेंडिकुलर निकालना है और ए सी लाइन पर एक परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि ए बी लाइन के हमें इक्वल दो पार्ट बनाना है, इक्वल पार्ट में उसे डिवाइड करना है और ए सी लाइन को भी इक्वल पार्ट पर डिवाइड करना है। तो कंपास में जो डिस्टेंस लेना है वो हमें लेना है ए बी लाइन के हाफ से थोड़ा ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली। ऊपर वाले हिस्से पर एक आर्क बनाया, निचले वाले हिस्से पर एक आर्क बनाया, इसी डिस्टेंस से दोनों आर्क पर दूसरे दो आर्क मैं बना रहा हूँ। इस प्रकार दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पर क्रॉस हुए हैं वहाँ पर पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को लाइन से जोड़ना है। इसी प्रकार से एसी लाइन को भी हमें दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कंपास में डिस्टेंस लिया, एसी
लाइन के हाफ से थोड़ा ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली, और इस हिस्से पर एक आर्क बनाया, दूसरा आर्क इधर बनाया। सी पॉइंट पर उसी डिस्टेंस से कंपास को रखकर दोनों आर्क पर फिर से दो आर्क बनाए। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, वहाँ पर पॉइंट मिले हैं, उन पॉइंट लाइन से जोड़ना है। इस प्रकार से दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर गए हैं, वहाँ पॉइंट लेना है और उस पॉइंट को नाम देना है ओ। अब ओ पॉइंट हमें मिला है, ओ पॉइंट हमारे सर्कल का सेंटर पॉइंट है। हमारा सर्कल ए पॉइंट से होकर, बी पॉइंट से होकर सी पॉइंट में से जाने वाला है, तो ऊपर हमें कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखना है और कंपास में डिस्टेंस लेना है ए इतना। वो सी में से जाता है कि नहीं वो हमें देखना है, जाता है। अब बी में से जाता है कि नहीं, जाता है, तो यहाँ पर हमें एक सर्कल खींचना है इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और ये क्वेश्चन हमारा सही आया है। सही कैसे आया है, तो तीनों पॉइंट में से सर्कल गया है, सर्कल ने तीनों पॉइंट में से एक्यूरेट क्रॉस किया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा सही आया। आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो इसका डिस्टेंस आपको कम ज़्यादा करके इस क्वेश्चन को बार बार आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। बच्चों एक्यूरेसी यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पॉइंट को जोड़ना, लाइन को खींचना, लाइन की जो जाड़ी है वो एक जैसी रखना, ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट द्वारा मुझे वो प्रॉब्लम पूछ सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।